84 आसन की बात तो शायद लोगों को पागल बनाने के लिए ही कही गई है। हाँ, संभोग के लिए कुछ प्रसिद्ध आसनों के विषय में ब्रस्यानंद जी ने ही के ही विचार आपके सामने रख रहा हूँ। इस आसनों का अर्थ किसी की बुराई नहीं है, बल्कि इस आसनों का अर्थ है केवल पति पत्नी के घरेलू जीवन के सुख में होना, क्योंकि इस बातों को ब्रस्यानंद जी अच्छी तरह जानते थे। यदि प्राणी को अपनी पत्नी से संभोग का पूरा आनंद प्राप्त नहीं होगा तो वह अवश्य ही इधर उधर भड़कता फिरेगा। मैं उनके इस विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ। ऐसा तो आमतौर पर देखने में ही आता है कि जिस पुरुषों को घरों में संभोग का आनंद नहीं मिलता वे बाजारी औरतों के पीछे भड़कते फिरते हैं। यदि घर में ही उन्हें ऐसा आनंद प्राप्त हो तो वह क्यों बाजारों में भटके फिरेंगे। मैं घरेलू औरतों को यह तो नहीं कहूँगा कि वे अपनी पतियों के सामने बाजारी औरतों के भांति नाचे, किंतु उन्हें यह भी सोचना होगा कि उनके पति जब भटक कर विनाश की ओर जा रहे हो तो उन्हें होशियार रहना होगा। इसी को देखते हुए ब्रस्यानंद जी ने कुछ आसनों के विशेष में बताए हुए हैं। स्वयं ब्रस्यानंद जी के ने अपने शब्दों में कहा कि संभोग कला का पूर्ण ज्ञान ना होना सबसे बड़ी विनाश का ही कारण हो सकता है। इसलिए सब नर नारियों को संभोग कला का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है, जाए तो सारे समाज का मानचित्र ही बदल कर रह जाएगा। अब जाने आसन ज्ञान का महत्व। पहला आसन, यदि कोई मृगी नारी अपने योनि की अपेक्षा बड़े लिंग वाले वृष पुरुष या अश्व पुरुष को संभोग करना चाहती हो तो ऐसे संभोग से नारी को बहुत कष्ट होता है। इसलिए ऐसे स्त्रियों को संभोग के समय अपने दोनों अंगों को पूरी तरह खोल देना चाहिए। इस प्रकार के संभोग के दोनों ही पक्ष संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरा आसन, यदि हस्तनी नारी अपनी योनि से छोटे लिंग का विष पुरुष के संभोग करनी चाहती हो तो उसे अस्पष्ट अभाव के कारण पूर्ण आनंद नहीं मिल सकता। इनके लिए उसे विशेष आसन का प्रयोग करना पड़ता है। यदि इस बीच अपनी जांघों को इकट्ठा कर ले तो योनि द्वारा संकीर्ण हो जाएगा तथा हस्तनी नारियां पुरुष के साथ संभोग का आनंद ले सकती है। तीसरा आसन, यदि बराबर अंग वाले नर नारी आपस में संभोग करें तो ऐसे संभोग के साधारण स्थिति में करके भी आनंद लिया जा सकता है। चौथा आसन, यदि औरत अपने प्रिय पुरुष से संभोग करती है तो उसे अपने दोनों टांगों को चौड़ा करके दोनों बाह उनके गले में डालकर उसे अपने शरीर से चिपक कर इस संभोग का आनंद लेना चाहिए। बस इसी में 84 आसन समाहित है। ब्रस्यानंद जी ने संभोग के विषय में बताए हुए कहते हैं कि संभोग से भी अधिक आनंद तो आलिंगन और चुम्बन से मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि संभोग से पूर्ण आलिंगन और चुम्बन हमारे संभोग कला के विशेष अंग हैं। इस विषय पर सारे के सारे काम विद्वान एकमत पर हैं। आचार्य ब्रस्यानंद जी ने आलिंगन और चुम्बन के 8 प्रकार को बताए हैं। आचार्य भरत जी भी इनके इस मत से पूरी तरह सहमत हैं। पहले आलिंगन, फिर चुम्बन, नख छत, उनके पश्चात क्रमशः दंत छत, लिंग प्रहार, सित्कार और आसन का उपयोग करना चाहिए। वैसे ही स्थानों पर आचार्य जी ने उनकी संख्या 10 भी बताई है। वहां पर वे आचार्य भरत से कुछ आगे निकल गए हैं। उन्होंने इस प्रकार से 10 ब्राहा प्यार के चित्र बताए हैं। पहला आलिंगन, दूसरा चुम्बन, तीसरा नक्षत, चौथा हस्तक्षत, पांचवा आसन, छठा प्रहपान, सातवा सीतकार, आठवा प्रुवासिक, नौवा ओपृष्टिक, दसवा उपसुपतक। हमारे कामसा स्त्रियों और काम विद्वानों के अनुसार तो यही सलाह दी गई है कि इस सब को उपयोग क्रमानुसार करना चाहिए, किंतु कहने और करने में धरती और आसमान का अंतर है। वास्तव में तो करने में कुछ और ही होता है। संभोग का दूसरा नाम है आशा तृप्ति और भावनाओं की तृप्ति है, जिसमें हम प्राणी संसार के साथ साथ अपने आप को भी भूल जाते हैं। इस अवसर पर भला कर्म किए याद रख सकते हैं। नारी के कामांगों के चुम्बन के बारे में आचार्य जी ने जो बताए हैं उसमें सिर के बालों का खींचना, आँख का चुम्बन लेना, कपोलों एवं होठों पर दांत छत करना, सतनों और नाभियों को हाथ से थपथपाना, बहुमूल्य गंठ कपोलें कूचो और नितमव्वे पर प्यार से हाथ फेरें, सिर की मांग को नाखून से कुरेदना, बालों को सहलाना, होठों को लेकर होठों से चुम्बन, या सब कुछ संभोग का संगम माना जाता है। जब बाह क्रियाओं से नारी की उत्तेजना पूर्ण रूप से जग उठे
उसके अंग अंग में वासना की आग निकलने लगे, वह संभोग के लिए व्याकुल नजर आए, तो ऐसे अवसर पर पुरुष को बिल्कुल चुकना नहीं चाहिए, ना ही देर करनी चाहिए। बस उसी समय नारी को अपनी बाहों में भरकर उनके साथ संभोग करना, आनंद लेना चाहिए। नारी क्या चाहती है, उनकी भावना क्या है, सर्वप्रथम हर पुरुष को अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहिए। जब नारी काम की आग में जल रही होती है तो उस समय उसे ठंडा करना पुरुष अथवा उनके पति का काम है। यदि पति पत्नी का सुख चाहता है तो उसे उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। संभोग का समय भले ही कोई निश्चित नहीं, परंतु उनकी आवश्यकता तो समय है। मैं ऐसे पुरुष को बहुत देखा हूँ जो अपने ही काम वासना को पूर्ति करने के लिए नारी के पास जाते हैं। ऐसे पुरुष को चाहिए कि वे पहले नारी की भावनाओं को समझने का कष्ट करे, अपने ही भावनाओं की पूर्ति के बात ना सोचे। समझे, नारी पुरुष मनोरंजन का ही साधन नहीं, हर पुरुष की भांति उनमें भी अपनी कुछ भावनाएं होती है। जब कुमारी कन्या दुल्हन बनती है तो उसका पूरा जीवन चरित्र ही बदल जाती है। वह कुमारी कन्या ही माँ बनती है और अपने घर को छोड़कर पराए घर में कदम रखती है तो उस पर कई जिम्मेदारियां आ जाती है। पत्नी कितना बड़ा त्याग करके आती है, इस बात को कभी नहीं भूलनी चाहिए। इतने बड़े त्याग के पश्चात क्या पति का यह कर्तव्य नहीं कि वह पत्नी को भी सुख रखने की बात सोचे। केवल 84 आसन की ही बातें पढ़कर अपनी पत्नी को संभोग का साधन ना समझ बैठो। 84 आसन जैसे बातें बहुत घिसी पीटी और पुरानी हो गई है। यह तो नर नारी को संभोग तक ही सीमित रखती है, परंतु केवल संभोग ही तो जीवन सुख का आधार नहीं माना जाता। कामसा स्त्रियों ने अधिकतम भूल यही की है, उन्होंने जीवन को केवल संभोग का आनंद मान लिया। यह नहीं, नारी को उन्होंने संभोग का आनंद लेकर नारी को बच्चा पैदा करने की मशीन बनाकर, भोली भाली नारियां यह भी नहीं जानती कि अधिक संतान पैदा करने से उनकी जवानी भी नष्ट होती है और स्वास्थ्य भी खराब हो जाती है, जिससे उसे चाहने वाले पुरुष दूर भागने लगते हैं। फिर पति पत्नी का प्यार भी कम हो जाता है, दोनों एक दूसरे से मन की बात भी नहीं कर सकते। इसलिए हर पति का यह कर्तव्य है कि कम से कम संतान पैदा करें और अपनी पत्नियों के स्वास्थ्य का पूरी पूरी ख्याल रखें। बस हम आपको यही कर्तव्य सिखाना चाहते हैं। इनमें आपका क्या राय है, हमें आप जरूर बताएं।